विद्यार्थी मित्रों अपने आगला पीरियड में समास विषय ने समझूती प्राप्त करी हिंदी आपने में अबे अपने कर्तुवाचक भाववाचक संज्ञाएं के रीते बनाए विषय माहिती प्राप्त करीश कर्तुवाचक संज्ञाएं कर्तुवाचक संज्ञा वास्तव में किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त तो होती है जैसे कि जो शिक्षा देने है वह क्या कहता है उदाहरण जो शिक्षा देता है वह उसको क्या है? कहते हैं शिक्षक कहते हैं दूसरा क्या है जो संपादन करता है वह उसको क्या कहते हैं संपादक यानी कर्तुवाचक संज्ञा का अर्थ क्या कर, होता है जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं कर्तुवाचक संज्ञा कहते हैं इस तरह कर्तुवाचक संज्ञा प्रातः संज्ञा या क्रिया से बनाई जाती है कर्तवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में उसी तरह प्रयत्न लागिए जाते हैं है भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा मन के भाव जीवन की दशा अवस्था तथा अदृश्य वस्तुओं को सूचित करती है जैसे हर्ष उल्लास उत्साह, उदासी गरीबी अमीरी बीमारी जवानी बचपन आदि भाववाचक संज्ञाओं के हम केवल अनुभव कर सकते हैं भावाचक संज्ञा का क्या कर सकते हैं आप अनुभव ही कर सकते हैं उनके देखा या छू नहीं सकते अतः जिस संज्ञा शब्द में व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अवस्था व्यापार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं भावाचक संज्ञा कहते हैं भावाचक संज्ञा बनाने के लिए नीचे दिए गए प्रत्यय लगाए जाते हैं भावचक शब्द कोई भी हो उसको कैसा प्रत्यय लगाया जाता है ता ति आई ऐ आई आहद आवट तो, आव आवा आन गी, तो, यो, या, तो इत प्रकार शब्द को प्रत्यय लगाए जाते हैं इस प्रकार कर्तृवाचक और भावाचक संज्ञा में किस प्रकार करते जाते हैं कर्तवाचक संज्ञा हो तो कर्ता जी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं कर्तुवाचक संज्ञा है कहते हैं और भाव में लागण उत्पन्न दिखाती है उसको भावाचक संज्ञा कहते हैं आगे देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्य किस प्रकार आप अशुद्ध और शुद्ध वाक्य को पहचानते हैं लिंग वचन भक्ति आदि के गलत प्रयोग से वाक्य अशुद्ध होते हैं यहाँ कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य बताए गए हैं वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने के वाक्य रचना शुद्ध होती है वाक्य क्या कहते हैं वाक्य को निश्चित स्थान में रखने से वाक्य शुद्ध होता है हिंदी में पदक्रम संबंधित नियम है। हिंदी में क्या है पदक्रम संबंधित नियम होता है इस प्रकार आप शुद्ध वाक्य वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म तथा अतः में क्रिया आती है उदाहरण देखते हैं जितेंद्र क्रिकेट खेलता है देखा ना आपने पहला क्या है कर्ता दूसरा क्या है कर्म और क्रिया आती है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में ने लिखे है कोष्टक करके तो आप भी कोष्टक करके लिख लेना पहला वाक्य है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है गाय तो पहले से ही शुद्ध थी तो दूध का ही शुद्ध होना चाहिए ने शुद्ध वाक्य में लिखा है यहाँ गाय का दूध नहीं बल्कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है दूसरा है मेरा प्राण संकट में आ गया प्राण है इसलिए क्या कहा है मेरे प्राण संकट में आ गए प्राण क्या है एक वचन है इसलिए मेरा नहीं आता इसमें क्या आता है मेरे प्राण संकट में आ गए तीसरा वाक्य है तुम्हारी स्कूल कहाँ है स्कूल है इसलिए क्या कहा जाता है तुम्हारा स्कूल कहाँ है चौथा आत्मा नहीं मरती आत्मा है इसलिए क्या कहता है आत्मा नहीं मरती या आत्मा नहीं मरता घर आता है वह आदमी उसका वाक्य क्या है वह आदमी घर आता है बेटी को पराया धन होता है न इसका वाक्य क्या है बेटी तो पराया धन ही होती है वर्तनी दूसरा आप देखते हैं वर्तनी वर्तनी को उर्दू में लीजी और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है वर्तनी आप देखते हैं पहले वर्तनी कैसे दिख जाती है या पहचान जाती है द प्लस व बराबर क्या होता है द्वा प्लस म दो बरोबर क्या होता है दम पद्म द प्लस पद्य विद्या गद्य इस प्रकार शब्द हो जाते हैं स प्लस र स श्रवण श्रेष्ठ ट प्लस र ट्र राष्ट्र ट्रक इस प्रकार आप वत्नी को भी पहचानते हैं तो अगले लेक्चर में आपने समास देखा था ये समास भी आप अपनी बुक में लिख लेना अब ये लेक्चर में या ये वीडियो में आपने कर्तुवाचक संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं शब्दों की शुद्ध अशुद्ध वाक्य रचना दिखी है और वर्तनी ये सभी आप आपकी नोट में लिख लेना या वर्ग में देती हूँ कल मिलते